हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एवरीडे फोकस में। प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है बिहार की तरफ से। जी हां दोस्तों, 3800 पदों पर भर्ती आएगी। कब तक भर्ती आएगी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। क्या है पूरी न्यूज़ इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आपको 101% प्रूफ भी दिखाऊंगा। 534 अंचलों में भर्ती होगी ऑपरेटर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हो, हिंदुस्तान की न्यूज है, अंचल कार्यालयों में बहाल होंगे 4000 कर्मी। और यहां पे आप लोग ऊपर देख सकते हो, राजकाज 8 फरवरी बिहार पटना, पेज नंबर 2 पे आपको ये न्यूज मिल जाएगी। और यहां पे आप लोग देख सकते हो, मैंने प्रूफ दिखा दिया। अब क्या है पूरी न्यूज, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अंचल कार्यालय में बहाल होंगे 4000 कर्मी। हिंदुस्तान जॉब से पटना, राज्य में अंचल कार्यालयों को कामकाज को चुस्त करने के लिए 4000 से अधिक कर्मियों की बहाली होगी। खास बात यह है कि तमाम भू अभिलेखों को डिजिटल करने व उनकी सुरक्षा के लिए तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को भी बहाल किया जाएगा। दरअसल सरकार ने अंचल कार्यालयों पर बढ़ रहे कामकाज के दबाव को कम करने के लिए नए कर्मियों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसलिए प्रायः सभी अंचलों में कुल 5 नए कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल होंगे। इसके अलावा 7 डाटा ऑपरेटर, एक रिकॉर्ड कीपर और देशपाल भी बहाल होंगे। कुल 534 अंचलों में लगभग 3800 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। इनको डाटा सेंटर और अंचल कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार संयुक्त परीक्षा परिषद में 4353 कर्मचारियों और 1737 अमीनों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कर्मियों को अगले 2 माह के अंदर बहाल कर लिया जाएगा। हल्का कर्मचारियों और अमीनों की कमी दूर की जाएगी, चालू माह में दूर हो जाएगी। ठीक है, लगभग फरवरी या मार्च में इनका जो है 1737 अमीनों की और 4353 कर्मचारियों की यहाँ पे बहाल की जाएगी। 2 महीने के अंदर इनकी कमी की दूरी कर दी जाएगी और 3800 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे कुल 534 अंचलों में। नक्शे जारी करने के लिए अंचलों में लगेगी प्लांटर मशीन। तो ये दोस्तों पूरी न्यूज़ थी। और यहाँ पे भूमि संबंधित कागजातों दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी अंचलों में नए भवन भी बनाए जा रहे हैं। 426 अंचलों में ऐसा 2 मंजिला भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। तकनीकी रूप से सक्षम नए कर्मचारियों को यहीं तैनात किया जाएगा। यहां पर दस्तावेजों के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। यहां कॉम्पैक्टर की सहायता से राजस्व संबंधित दस्तावेजों को संरक्षित किया जाएगा। स्कैनर है, कंप्यूटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर और अलग से सर्वर रूम भी होगा। नक्शा जारी करने वाली प्लांटर मशीन, ADS स्कैनर आदि उपकरण लगे होंगे। अलग से कियोस्क कच भी होगा। तो इसी में आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगेगी और 3800 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे 534 अंचलों में। तो ये आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है, 8 फरवरी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो इसी खुशखबरी में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बिहार वालों का तो बल्ले बल्ले है। तो वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।